सो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फोन पे के मदद से एक बहुत ज़्यादा तगड़ा अपडेट आया है, जिसके मदद से दोस्तों आप अपने बैंक अकाउंट के सारे स्टेटमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप कब किस डेट को कितना क्रेडिट किए, कितना डेबिट किए, किस फ्रेंड्स को किस डेट को आप कितना पैसा भेजे, आप सारे अपने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट को आप जो है फ़ोन पे के मदद से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो कि फ़ोन पे के मदद से आप अपने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे देख पाएंगे, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप PDF फाइल में उस स्टेटमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हो एंड देख सकते हो कि किस डेट को कितना आप कैसे पैसा क्रेडिट किए, कितना डेबिट किए, किस फ्रेंड ने आपको किस कितना पैसा भेजा है, कितना आप सेंड किए, आप सारे स्टेटमेंट को आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक पूरी ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, आगे भी आपको फोन पे से रिलेटेड इस चैनल पर आपको वीडियोस मिलते रहेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ़ोन पे से अपने बैंक अकाउंट के सारे स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले दोस्तों अपने मोबाइल फ़ोन पर जो है फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। एंड फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सो दोस्तों, आप यहाँ पे सबसे ऊपर जैसे कि देख सकते हो, टू मोबाइल नंबर, टू बैंक UPI ID, टू सेल्फ अकाउंट एंड चेक बैंक बैलेंस। तो दोस्तों, आप फोन पे के जरिए से आप बैंक बैलेंस भी चेक कर सकते हो एंड किसी भी फ्रेंड्स को पैसा भेजना चाहते हो तो आप मोबाइल नंबर के थ्रू एंड बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू आप किसी भी पर्सन को, किसी भी फ्रेंड्स को आप पैसा सेंड कर सकते हो। सो दोस्तों, पैसा सेंड करने के बाद आपको अपने स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करना है, तो उसके लिए नीचे दोस्तों आपको आ जाना है हिस्ट्री में। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो हिस्ट्री, तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड हिस्ट्री में क्लिक करने के बाद आप जितना भी पैसा सेंड किए, जितना भी पैसा आपको मिला है, क्रेडिट किए, आपको यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि दोस्तों अपने फ़ोन पे का कंप्लीट हिस्ट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है कि आपको किस तारीख को किस फ्रेंड्स को कितना पैसा सेंड किए, कितना क्रेडिट किए, तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड स्टेटमेंट। तो दोस्तों, आप यहाँ पे डाउनलोड स्टेटमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट 30 डेज एंड आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट 90 डेज। तो दोस्तों, आप यहाँ पे अपने मन मुताबिक कोई भी आप डेट दिन को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, जो कि देख सकते हो लास्ट 30 डेज का भी डाउनलोड कर सकते हो, लास्ट 90 डेज का भी डाउनलोड कर सकते हो एंड आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट 180 यानी कि 180 दिन का भी पुराना आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो एंड आप यहाँ पे देख सकते हो एक साल पुराना भी आप यहाँ पे स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। आप चाहे तो आप मन मुताबिक कोई भी डेट सिलेक्ट करके भी आप यहाँ पे जो है स्टेटमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे 30 डेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे 30 डेज सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद नीचे देख सकते हो प्रोसीड, तो आपके यहाँ पे प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड प्रोसीड वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेटमेंट डाउनलोड, यानी कि मेरा जो है बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। चलिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो व्यू स्टेटमेंट, यहाँ पे व्यू स्टेटमेंट में क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक कर दे एंड आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे यहाँ पे बैंक अकाउंट के यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे शो हो चुका है, जो कि देख सकते हो मैं यहाँ पे किस फ्रेंड्स को किस डेट को कितना पैसा डेबिट किया, कितना क्रेडिट किए, आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हो। तो दोस्तों, आप यहाँ पे अपना मन मुताबिक 90 डेज, 180 दिन, यहाँ पे एक साल पुराना भी आप यहाँ पे स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो, जो कि मैं आपके यहाँ पर लाइव कंप्लीट प्रोसेस बता दिए। सो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपने फोन पे की मदद से अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे PDF में डाउनलोड करना है। तो आप इस वीडियो को लाइक करेगा एंड इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स भी शेयर करेगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा, आगे भी आपको फोन पे से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोज मिलती रहेगी। सो दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।